दिल्ली के बड़ा हिंदू राव इलाके के आजाद मार्केट में शनिवार तड़के भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की 22 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य के दौरान एक एक कर 3 सिलेंडर फट गए। धमाके की वजह से आसपास की कुछ दुकानें व गोदामों में आग लग गई। मौके पर बचाव कार्य चल ही रहा था कि अचानक वहां 3 इमारतें जमींदोज हो गईं। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा जान का नुकसान नहीं हुआ है। मलबे और आग की चपेट में आकर कुल 5 लोग जख्मी और झुलस गए हैं। घायलों को बड़ा हिंदू राव और LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि हादसे में करीब 15 दुकानें, गोदाम व एक कार जल गई है। धमाके की आवाज से कुछ मकानों को भी क्षति पहुंची है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मेन रोड पर लगे बिजली के खंभे से निकली चिंगारी से आग लगी। इसके बाद आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। चूंकि दुकानों में ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था, इसलिए देखते ही देखते आग फैलती चली गई। करीब 4 घंटे बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। बड़ा हिंदू राव पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का दस्ता शनिवार शाम तक मौके पर JCB की मदद से सड़क से मलबा हटाने में जुट गया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार तड़के 4:41 पर सूचना मिली कि आजाद मार्केट मेन रोड पर बनी कुछ दुकानों में आग लग गई है। खबर मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की कुछ गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। यहाँ आजाद मार्केट मेन रोड पर स्कूल बैग, छाते, तिरपाल व दूसरे सामान की दुकानें थीं। जिन बिल्डिंगों में दुकानें बनी थीं, उनमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा ऊपर 3 मंजिलें बनी हुई थीं। इमारत का पीछे का हिस्सा आजाद मार्केट के शिवाजी रोड पर खुलता था। इस तरह इमारत के आगे और पीछे दोनों ओर 6 दुकानें थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि तड़के करीब 4:30 आग लगी तो अफरा तफरी मच गई। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर।